हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में, हमारे आने वाले वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं चैनल मैनेजर के बारे में। तो हम आपको अभी लेके जाएंगे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो आपको दिखाने वाले हैं इसका नाम है इजी सेंट्रिक्स। पहले हम लॉगिन करेंगे। आप देखिए लॉगिन हो गया है। इजी का कई सारे प्रोडक्ट्स है जिसे आप देख सकते हो, ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन रेस्टोरेंट POS, होटल बुकिंग इंजिन, होटल चैनल मैनेजर। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने लॉगिन किया आप देख सकते हो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि PMS और चैनल मैनेजर एक्स्ट्रानेट। अब ये PMS जो है, जैसे कि इजी का कई सारे प्रोडक्ट्स है PMS भी है, ये एक डेमो वर्सन है, ट्रायल वर्सन है, हमने कहीं से लिया है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी होटल का ही ये डेमो वर्सन है, सिखाने के लिए, दिखाने के लिए। एनीवे, यहाँ पर क्या हो रहा है, चैनल मैनेजर और PMS इस होटल में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए अगर PMS में कुछ चेंजेस करते हैं तो चैनल मैनेजर में ऑटोमेटिक अपडेट होगा। रियल टाइम इन्वेंट्री आप देख सकते हैं क्योंकि चैनल मैनेजर के साथ कनेक्टेड है PMS, यानी कि PMS में अगर कुछ चेकआउट मारते हैं तो अवेलेबल रूम अवेलेबिलिटी आ गया, तो वही चीज़ चैनल मैनेजर में ऑटोमेटिक अपडेट होगा और चैनल मैनेजर में आने के बाद सारे OTS में, हर प्लेटफॉर्म में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, रियल टाइम इन्वेंट्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें फ़िलहाल चाहिए चैनल मैनेजर, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए इसका डैशबोर्ड ऐसा होता है इंटरफेस। यहाँ पर बहुत सारा टूल्स है, पैनल्स मिलेगा आपको, लेकिन एक एक चीज़ देखने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम आपको वही दिखाएंगे जो आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर है डैशबोर्ड है, एड रिजर्वेशन है, रिसेंट इन्वेंट्री, बुकिंग्स, एनालिटिक्स है, रेपुटेशन मैनेजमेंट, रेवेन्यू मैनेजमेंट। हमें ज़रूरत है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है रिट्स एंड इन्वेंट्री। चलिए इसमें क्लिक करते हैं। पहले आप देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस होटल में मतलब डेमो वर्सन में बहुत सारा रूम टाइप्स क्रिएट किया हुआ है। देखिए बहुत सारा है, हालांकि एक होटल में इतने सारे होते नहीं हैं, लेकिन ये सिखाने के लिए बताते बताते इतना सारा बन गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, 11 जनवरी है, अगर आज की इस डेट में हमारे पास मान लीजिए रूम है 10, अगर 10 करना है तो हम सिंपली इसको एडिट करके सेव कर देंगे। यहाँ पर मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ, एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये PMS के साथ कनेक्टेड है, यानी कि PMS में अभी अवेलेबल नहीं है, दो ही रूम अवेलेबल है, कपल रूम, इसलिए यहाँ पे चैनल मैनेजर में ऑटोमेटिक अपडेट हुआ है। जैसे ही हम PMS में दो रूम का एक्सपेक्टेड अराइवल अगर कम कर देते हैं या चेकआउट मार देते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो PMS में जो चेंजेस करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक इन्वेंट्री अपडेट होगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हर होटल में ईजी का ही PMS हो, सेम कंपनी का PMS, सेम कंपनी का चैनल मैनेजर, यहाँ पर है हालांकि इस डेमो वर्सन में दिखाया गया है। तो किसी होटल में ईजी का PMS है, ईजी का चैनल मैनेजर है, तो ये आसान हो जाएगा, रियल टाइम इन्वेंट्री हर बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, इवन आपको चैनल मैनेजर में जाने की बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री अगर आप PMS में दिखा दे रहे हैं तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जा रहा है और सारे प्लेटफॉर्म में, सारे OTS में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। तो अगर आपको चेंजेस करना है तो इस प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके होटल में IDS है और चैनल मैनेजर कुछ और है, तो इसी प्रकार से आपको उस पर्टिकुलर डेट के लिए, उस पर्टिकुलर रूम कैटेगरी के लिए आपको चेंजेस करना है और सिंपली सेव कर देना है। ठीक है, अब ये है कपल रूम कि CP प्लान में कपल रूम के लिए जो रेट्स डाला गया है 400, हालांकि इतना कम होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पर करने जाऊँ कि 5000 रुपीज़, ठीक है, मैंने कर दिया है 5000 रुपीज़, तो इस प्रकार से आपको चेंजेस करना है। ये 5000 रुपीज़ रेट्स हम किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, तो ये तो रेवेन्यू मैनेजमेंट के अंदर आता है, आपके मैनेजर, आपके मैनेजमेंट, या आपको अगर पता है कि रेट्स हम किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, कितना रेट्स लगाना चाहिए, उस हिसाब से आपको रेट्स डालना है। तो ये किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, जैसे कि आपने 5000 डाला तो इसके ऊपर कमीशन भी कटने वाला है, टैक्सेस भी लगने वाला है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो नेट अमाउंट आएगा होटल में बुकिंग होने के बाद वो कम होगा, तो आपको उस हिसाब से रेट को कैलकुलेट करके परसेंटेज लगा के रेट्स डालना है। इस बारे में हम आपको दिखाएंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये जो डिलक्स रूम है, इसमें अगर जीरो करना है कि पूरा सोल्ड आउट हो गया है, तो जीरो करके सेव कर दीजिए, सिंपल है ये। ठीक है, ये हो गया इन्वेंट्री अपडेट्स। अगर इसी चीज़ को अगर आपको बल्क करना है, बल्क अपडेट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जाना है आपको बल्क अपडेट। बल्क अपडेट में जाने के बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है, फ्रॉम मान लीजिए आज के डेट से करना है, कब तक करना है आपको, मान लीजिए अगले महीना फरवरी तक। ठीक है,
अब इन्वेंट्री अगर चेंज करना है, इतने इतने रूम्स अवेलेबल है, सिंपली आपको इन्वेंट्री में सेलेक्ट करना है और इन्वेंट्री डाल देना है यहाँ पे कि मान लीजिए कपल रूम के लिए इतना है 15 रूम, लेकिन यहाँ पर लेकिन रूम टाइप में आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पीएमएस से कनेक्टेड है, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करना होगा रूम टाइप, कौन सा रूम टाइप के लिए आप इन्वेंट्री अपडेट करना चाहते हैं, उस प्रकार से जाके और डेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, डे वाइज में जाकर भी आप आराम से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको अपडेट कर देना है, अपडेट हो जाएगा, पूरा महीना भर के लिए अपडेट कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना दिन तक, जितना चाहिए उतना दिन तक आप अपडेट कर सकते हैं बल्क अपडेट में जाकर। यहाँ से आप चाहे तो रेट्स भी डाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर रूम के लिए या सारे रूम्स के लिए, आपको यहाँ पर रेट्स डाल देना है। रेट प्लान क्या रहेगा, ईपी प्लान, एमएपी, सीपी, अलग अलग प्लान के लिए अलग अलग रेट्स होता है कि नहीं, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करने के बाद वन बाय वन आप यहां से रेट्स अपडेट कर सकते हैं। स्टॉप सेल हो गया, स्टॉप सेल क्या है कि मान लीजिए आपको, मान लीजिए कि कल के डेट में आपका होटल सोल्ड आउट है, ठीक है, तो चलिए 12 तारीख सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, 12 से लेकर 12 तारीख तक, 1/2022 और स्टॉप सेल में गए और स्टॉप सेल कर दिया हमने। अब आपको इसमें क्या है कि रूम टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा, रूम टाइप सेलेक्ट करने के बाद आप स्टॉप सेल कर देंगे और अपडेट कर देंगे तो क्या होगा, मतलब होटल सोल्ड आउट हो गया आपका, होटल में और रूम्स नहीं है, कोई भी बुकिंग नहीं कर पाएंगे, आपको इन्वेंट्री जीरो करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप सेल कर दीजिए, बस आपका होटल सोल्ड आउट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रूम टाइप को हमें सोल्ड आउट करना है तो पर भी आप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टॉप सेल में जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, स्टॉप सेल ऑन रहना चाहिए, ऑफ करेंगे इसका मतलब अवेलेबल है, ऑन करेंगे इसका मतलब सोल्ड आउट हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद आपको अपडेट कर देना है इस प्रकार से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड क्या होता है एक बार देख लीजिए। अगर आप डैशबोर्ड में जाते हैं तो बुकिंग से कितने सारे बुकिंग्स बना हुआ है अभी तक वो आप देख सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कितना होने वाला है, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कितना होने वाला है, ADR देख सकते हैं, ये सारी चीज़ जो है जो आप देखिए, बुकिंग देख सकते हैं कितना बुकिंग्स बना हुआ है अभी तक, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, ऑक्यूपेंसी, ADR यहाँ पे आ जा रहा है, रिसेंट 10 बुकिंग, जो 10 बुकिंग अब रिसेंटली जो हुआ है, लास्ट 10 बुकिंग्स आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, डिपार्चर वही दिखेगा जो ऑनलाइन से बुकिंग हुआ है, कैंसलेशन कितना हुआ है आप देख सकते हैं। इसलिए रेट्स एंड इन्वेंट्री जो मैं आपको बता दिया, बुकिंग्स से, बुकिंग्स में अगर जाएंगे तो बुकिंग्स मतलब कितना सारा बुकिंग्स बना हुआ है अभी तक आप देख सकते हैं, ये सारे आप चाहे तो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, वाउचर वगैरह, स्टेटस है एक्टिव मतलब बुकिंग कन्फर्म रही है, वॉइड, ये वॉइड कर दिया गया, इसके बाद एक्टिव है कैंसिल, ये बुकिंग कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया गया है, तो इस प्रकार से आप स्टेटस देख सकते हैं। और किसी मान लीजिए इस बुकिंग का अगर आपको वाउचर चाहिए तो इसमें क्लिक करेंगे, सिंपली एक बार क्लिक करना है, रिजर्वेशन आप व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी कर सकते हो इस बुकिंग वाउचर का, ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रेट थ्रेशहोल्ड, आप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ता ये, अब इसका मतलब क्या होता है, अब लेट सपोज कि सुपर डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स के 450 से लेके 5822 इसके अंदर रेट्स आप डाल सकते हैं ऑनलाइन में, 450 से कम नहीं कर सकते, 5822 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये इसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड, यूट्यूब में भी होता है, तो इस प्रकार से थ्रेशहोल्ड होता है। अब मान लीजिए कपल रूम के लिए देखिए 4000 हमने डाल कर रखा है, तो 4000 मैक्सिमम रेट है 5500, तो इसी के बीच आपको रेट डालना होगा, इसे कम करेंगे या इसे ज़्यादा करेंगे तो नहीं होगा, तो उस वक्त आपको इस थ्रेशहोल्ड में जाके यहाँ पर आके कम ज़्यादा करना होगा। मान लीजिए इसे अगर कम करना है मुझे तो 3000 कर दिया, ज़्यादा करना है या कम करना है, मान लीजिए इसे 5000 करना है, तो इस प्रकार से थ्रेशहोल्ड आपको चेंजेस करना होगा और सेव थ्रेशहोल्ड कर दीजिए, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक ऑप्शन है ओल्ड एक्स्ट्रा नेटवर्क के, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एक प्रकार का यील्ड मैनेजमेंट है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यील्ड मैनेजमेंट में अगर जाएंगे तो जैसे कि हो गया मार्केटिंग, मार्केटिंग में अगर जाएंगे तो यील्ड है, ऑक्यूपेंसी स्लैब, स्लैब मैपिंग, मैनेज यील्ड, यील्ड रिपोर्ट, इसमें बहुत कुछ करने लायक है, जो रेवेन्यू मैनेजमेंट, यील्ड मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं वही लोग कर पाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ऑक्यूपेंसी स्लैब अगर आप करना चाहते हैं तो कितने सारे स्लैब बनाए आपने, तो स्लैब के हिसाब से यहाँ पर 4 बनाया हुआ है,
यील्ड मैनेजमेंट एक प्रकार का रेवेन्यू मैनेजमेंट है, लेकिन इसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है। रेवेन्यू मैनेजमेंट थोड़ा अलग है, यील्ड मैनेजमेंट थोड़ा अलग होता है। यील्ड मैनेजमेंट पहले एयरलाइंस में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल होटल इंडस्ट्री में काफ़ी चलने लगा है। यील्ड मैनेजमेंट बेसिकली वो है, इससे आप रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यील्ड मैनेजमेंट का अंदर आता है। जैसे कि यील्ड मैनेजमेंट से ये पता लगा सकते हैं अभी मार्केट का डिमांड क्या है, कितना एडीआर चल रहा है, किस प्रकार के क्लाइंट्स हमें आ रहा है, अगले महीने में हमें कितना रूम रेट्स लगाना चाहिए, किस प्रकार के क्लाइंट्स को हमें फोकस करना चाहिए, क्या बिजनेस होने वाला, क्या रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं हम, और उस हिसाब से आप पैकेज बना सकते हैं कि मार्केट डल होने वाला है या पिक होने वाला है। इस प्रकार से यील्ड मैनेजमेंट से पता लगा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन में अपडेट कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली OTA में जाएगा। जैसे कि आप प्रमोशन चला सकते हैं, प्रमोशन चलाएंगे तो उस हिसाब से सारे OTAs में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपको बिजनेस ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर होता है यील्ड मैनेजमेंट। हमें भी उतना नॉलेज नहीं है, रेवेन्यू मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके बारे में, तो उस पर हम कभी और किसी और वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा आप, और चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, स्टारमैक्स हो या ईजी हो, इसी प्रकार से काम करता है। आप आराम से अपडेट कर सकते हैं, लॉगिन कीजिएगा, ट्राई कीजिए लॉगिन करने के लिए और मैनेज करने के लिए, और अपने सीनियर से बात कीजिए। आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे OTA के बारे में, OTA को हम लॉगिन करेंगे। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।